बहादुरगढ़ में एक छोटे भाई ने बड़े भाई के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसके चलते बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी की भाभी और दो भतीजे गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, घटना के समय बीच बचाव करने आया एक पड़ोसी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। चारों घायलों को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है, जहां उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मामला बहादुरगढ़ के लाइन पार्क क्षेत्र की वत्स कॉलोनी का है, जहां विजय नाम के एक आरोपी ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई राजेंद्र के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना में राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी पत्नी रतन कुमारी और दो भतीजे अमित और मयंक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर एक पड़ोसी बीच बचाव करने पहुंचे तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देते ही आरोपी विजय क्षेत्र की मौके से फरार हो गया। वहीं राजेंद्र की बेटी तनु घर के भीतर वाले कमरे में थी, इसलिए गोली लगने से बच गई। तनु ने जब बाहर आकर देखा तो उसके पिता दम तोड़ चुके थे और माँ भाई गंभीर रूप से घायल थे। उसने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल भिजवाया, वहीं अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि आरोपी की पहचान राजेंद्र के छोटे भाई विजय के रूप में हुई है। विजय बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है। उसका पिछले कई दिनों से राजेंद्र के साथ जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसी के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी के लाइसेंसी पिस्तौल को बरामद कर लिया है। वहीं विजय की गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। आज शाम को करीब 10:30 बजे लाइन पार के इलाके में वत्स कॉलोनी में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें विजय कुमार, जो कि उसने अपने सगे भाई राजेंद्र, राजेंद्र की पत्नी रतन, राजेंद्र के दोनों लड़के अमित और मयंक और एक पड़ोसी, इन पांच लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी। इस शूटआउट के अंदर राजेंद्र की जो है, जब वो उसको हॉस्पिटल में लेके आया तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। चार लोग अभी इंजर्ड हैं और चारों अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। टोटल इसके अंदर करीब 8 से 10 राउंड फायर हुए हैं और हमने जो है इसके अंदर तीन अलग अलग टीम बना रखी है। एक्यूज को हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर लेंगे। कारण क्या रहा सर? अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया हुआ है। तो जैसे ही एक्यूज की अरेस्ट होती है या फिर जो इंजर्ड है उनसे हमारी बात हो पाती है, उसके बाद हम इसके बारे में बताते हैं।